इनको ऐसे काटा जाता था कि फैक्ट्री के अंदर जैसे शुगर मिल होती है, उसमें हमने डोमा पे गंदा डाला और गंदा कटते कटते खोई बनते हुए कुछ निकल करके आगे निकल जाता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, ऐसी फैक्ट्रियाँ थी कि जहाँ यहाँ से पूरे पूरे ट्रक गायों के लोड होते थे और ले जा करके सीधे डोंगा में डाल दिया। गायें कट करके हड्डी अलग हो गई, चमड़ा अलग हो गया, खून अलग हो गया, चर्बी अलग हो गई, वो पूरे प्योरीफाइड प्लांट हुआ करते थे, उसके हमारी गाय कटती थी। और हम लोग थोड़ा आक्रोशित होते थे, एक गाय का जब कभी वध होता था तो लोग पूरे पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे कि गाय का वध हो गया है, इसमें जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनी तो इस पर प्रतिबंध लगा है, और प्रतिबंध जब लगा तो जो गायों को खरीदने वाले लोग दूसरे जनपदों से आते थे, जो इसके मांस का उपयोग करते थे, इसके चमड़े का उपयोग करते थे, इसकी हड्डियों का उपयोग करते थे, वो इसको औने पौने भाव पर खरीद करके ले जाते थे। और जब वह चीज़ बंद हो गई तो उसकी खरीदारी करने वाले लोगों की कमी हो, और जब उसकी कमी हुई तो हम लोगों के मन में भाव आ गया कि हम इसको जब तक दूध दे गाय तब तक हम दूध डोले, उसके बाद हम छोड़ दें। जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपने दिल पे हाथ रखे हैं, हर किसी ने कोई जानवर छोड़ रखा है ऐसा कि नहीं है, समझ में आता होगा सर कुछ। हर व्यक्ति का जानवर है, जो अपने क्षेत्र में निकलता है वो देखता है कि ये हमारे